मेरे वालों सारयां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल जी। पेंडू जासीन आस्ट्रेलिया विच तुहाडा स्वागत है। मैनूं उम्मीद है तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, असीं भी ठीक ठाक हाँ। अज मैं न्यू मम्स लई पंजीरी बनाऊंगी, क्योंकि ये पंजीरी नूं कोई भी खा सकदा आ, बच्चे बुढ़े सियाने सब, क्योंकि असीं आपे घरे खानी आ, ये भी बच्चों ने भी खानी है। पर ये न्यू मम की बॉडी नूं स्ट्रोंग बनाउंदी, क्योंकि बच्चा होने तो बाद मम की बॉडी है जिहड़ी उह स्ट्रोंग नहीं इन्नी रहिंदी हैगी, इस करके उहदी बैक नूं स्ट्रोंग बनाउंदी आ, गोडिआं नूं सारी बॉडी नूं स्ट्रोंग बनाउंदी आ। क्योंकि जे किसी दे भी बैक पेन हुंदी आ, गोडे दुखदे आ सियाणिआं दे, कोई भी इहनूं खा सकदा आ। ते मैनूं कईआं दी फरमाइश आई सी भी पंजीरी बनाउणी दसो, सो अज मैं तुहानूं पंजीरी बनाउणी दसूंगी। सो चलो आओ आपां पंजीरी बनाउंदे आ। जे तुसीं अजे तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, सबसक्राइब जरूर करो। जे तुहानूं मेरियां वीडियो सोहणियां लगदियां आ, लाइक ते शेयर दा बटन जरूर दबो। चलो जी आओ आपां न्यू मम लई पंजीरी बनाउंदे आ। पंजीरी बनाउण लई सब तों पहलां जिहड़े समान की आपां नूं जरूरत पैंदी आ उह मैं तुहानूं दसूंगी। आपां किलो आटे की पंजीरी बनाउणी आ। किलो आपां आटा लै लिया आ, कणक दा आटा आ, इह नॉर्मल लिया मैं। किलो आटे च किलो ही मैं घ्यो लै लिया, ये घर का मैं घ्यो बनाया बटर तो। किलो ही मैं इहदे विच शक्कर पाऊंगी। जे तुसी शुगर पाउणी चाहुंदे, खंड पाउणी चाहुंदे, खंड भी पा सकदे आ। इह तिन्ने चीज़ां बराबर दियां विच पैणगियां, किलो आटा, किलो घ्यो, किलो शक्कर। सब तो पहलां आपां 100 ग्राम गूंद लैणा। ये किसी भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो मिल जाता है, इतने 4 गूंद लिखे आया होंगे आ। आया फुल मखाने, ये भी इंडियन ग्रोसरी शॉप तो मिल जाते हैं, ये मैं लाए आ 50 ग्राम। आ मैं लिया कमरकस, ये पाउडर विच लिया मैं। कई बार ये साबता जिहा भी हुंदा आ, घिओ दे विच भुन के उन्हों पीस लो, ग्राइंड कर लो, पर यह पाउडर मिल जाता है, मैं पाउडर लिया, इस करके इनू घेच भुनन की जरूरत नहीं पैनी। इन्हां दो चीज़ां नूं आपां घिओ दे विच भुन्नांगे, मखाणिआं नूं ते गूंद नूं, फिर इन्हां नूं आपां पीस लैणा आ। 50 ग्राम मैं लिया आ कोकोनट दा बूरा, इहनूं बरादा भी कहिंदे आ। जे तुहाडे कोल इह घर है नहीं, तुसीं ठूठी लै के कोकोनट लै के उहनूं कद्दूकश कर लो, ते इस तरह तुसीं उहनूं वरत सकदे आ। 100 ग्राम मैं लै आ मगज, इह 4 मगज उत्ते लिखिआ आ हुंदा आ, 4 तरह के बीए दे विच हुंदे आ, इह मैं लए आ 100 ग्राम। 100 ग्राम इह मैं लई आ खसखस, इहनूं पॉपी सीड भी कहिंदे आ इंग्लिश दे विच, ते इह दुकानां तों मिल जांदी आ, पॉपी सीड उत्ते लिखिआ हुंदा जां खसखस पंजाबी दे विच। 10 ग्राम मैं लई आ सौंढ, इहनूं ड्राई जिंजर जिद्दां हुंदा जिहड़ा ना पाउडर, उह आ इह, इहनूं सौंढ कहिंदे आ। सौंफ मैं लई आ 25 ग्राम, तुसी अपनी मर्जी ना पा सकते, जे थोड़ी लाइक करते हैं थोड़ी पा लो, ये उदा इन्ने किलो आटे दे विच 25 ग्राम पैंदी है सौंफ। काली मिर्च दा मैं 1 चमचा लिया, इनू पीस लवांगे फिर आपां। जवैन दा भी मैं 1 चमचा लिया, ये चीज़ां ऑप्शनल आ तुहाडे लई, जे तुसी जवैन जां काली मिर्च नहीं पाउणी चाहुंदे ना पाओ, पर जिहड़ी आपां पंजीरी बनाउंदे आ न्यू मम्स लई उहदे लई विच जरूर पाओ। 25 ग्राम मैं लए आ चिट्टे तिल, जिदा 2 चमचे आ। 150 ग्राम मैं लई आ सौगी, तुसी वध घट पा सकते हैं, जे तुसी ज़्यादा सौगी विच लाइक करते हैं ज़्यादा पा सकते, पर जे तुसी एन मेहनती ना समान पाउणा चाहुंदे आ ना, 150 ग्राम सौगी पैनी आ किलो आटे च। बदाम मैं लए आ 500 ग्राम, जाने अद्धा किलो। काजू लए आ 250 ग्राम, जाने पाइया। पिस्ता मैं लिया 100 ग्राम, अखरोट मैं लए आ 100 ग्राम। इन्हां नूं सारे कुछ नूं मैं ग्राइंडर विच पा के ग्राइंड कर लूँगी, जाने पीस लूँगी। जे तां तुसीं लाइक करदे आ इन आटा जिहा बनाउणा, आटा जिहा बना लो, एन बरीक कर लो चंगी तरह मिक्सी च पा के। जे तुसीं थोड़ा खड़मा लाइक करदे आ, मूँह दे विच आवे दाने, थोड़ा जिहा इदां दा बना लो। मैं थोड़ा जिहा खड़मा रखूँगी, क्योंकि मूँह दे विच दाने आउंदे सोहणे लगदे आ विच, है ना। इन्हां चौहां चीज़ां नूं आपां कल्ली कल्ली पीसना, सारे इकट्ठे पा के नहीं, क्योंकि बदामां नूं थोड़ा जिहा टाइम लगदा, काजू छेती हो जांदे आ, पिस्ता भी थोड़ा छेती हो जांदा आ, इस करके आपां कल्ले कल्ले पा के इन्हां नूं ग्राइंड करूँगे। तो मगजां नूं भी आपां ग्राइंड करांगे।
आ सारिया चीज़ा ये पैनगियाँ हूँ मैं थानू दसूँगी ये पैनियाँ किदा आ। चलो आप फिर शुरू करते हैं। हूँ मैं सारे जोड़े नट्स आ उन्होंने ग्राइंड कर लूँगी। पिस्ता, काजू, अखरोट, बदम। देखो मैं बदमों इदा का किया हूँ मैं करूँगी काजू। देखो हूँ मैं पिस्ते करूँगी। देखो पिस्ता भी आप कर लिया। हूँ आप करांगे अखरोट जिन्हों वॉलनट भी कहते इंग्लिश। देखो अखरोट भी हो गए। हूँ मैं जेडे चार मगजे उन्होंने पीस लूँगी। देखो इन्हों भी मैं इदा दे कर लिया, थोड़े खड़वे रखे आ। हूँ मैं सारे नट्स के मगज पीस ले आ, इदा दे रखे आ, पीस के किते आ। मैं इन्हों भुनिया नहीं, कई इन्हों भुन के बिच पाते फिर सारा असर निकल जाता है। आप बिना भुनिया इदा ही पावे बिच। मैं गैस ऑन कर लिया, फ्राई पैन उत्ते रख दिता है। अजे आप मीडियम पर रखा हीट न, क्योंकि आप जो गूंद आनू घ्यो भुना। मैं बिच ए दो चमचे घ्यो दे पा ले फ्राई पैन के बच्चे। आप थोड़ा इनू गर्म होने देवे, मेल्ट हो। हुण घ्यो मेल्ट हो गया, आप गूंद पा दोगे। अद्धा अद्धा करके मैं पाऊंगी, अद्धा मैं रख लिया। पहला इनू भुनते हैं, ये खिल्ला जी बन जा, फुल के बड़ा बन जाता है। फिर आप इनू ग्राइंड करांगे। फिर आप इनू ग्राइंड कर लवेंगे। इदा का होना चाहिए फिर हाथ ना भरदा हो। हुण मैं इनू एक प्लेट च कढ लूंगी। गर्म आ, देखो अरे इदा भरदा आ हाथ दे नाल। देखो इदा दा पई दिया जिदा है ना पॉपकॉर्न होंगे खिल्ला जी, इदा बन जांदियां इहदियां। हुण मैं जिहड़ा हो जांदा आ उहनू भी विच पा दूंगी। हुण आपां इहनू कढ के प्लेट दे विच पा लवांगे। हुण मैं दो चमचे होर के पा लिया बिच। ये हुण आपां इहदे विच मखाने भुनने आ, आ हुंदे फुल मखाने। ये भी देखो पहला ही फुटते नहीं, इदा आप इन्हों थोड़ा जहा फ्राई करना आ। गूंद मैं पहला किया मखाने बाद उस फ्राई पैन च, क्योंकि जेडे मखाने ज़्यादा घ्यो चुकते इन्हों घ्यो ज़्यादा लगता, इस करके पहला मैं गूंद कर लिया। जोड़ा बचता से थोड़ा जहा बच घ्यो होर बच पा के तुम बिच कर लो इन्हों मखाने है ना। आप इन्हों तोड़ के देखा जो ये है ना इदा क्रिस्पी हो जाए टुटन लग जाए फिर आप इन्हों भी ला लवेंगे उत्तों। फिर आप मखाने तो गूंद ग्राइंड कर लवेंगे, किसी भी ग्राइंडर के कर लियो। मैं इनू न्यूट्री बुलेट करूँगी, उन्ना ईजी हो जाते हैं ये चीज़ा। हूँ मैं इन्हों भन के देखूंगी। मैं एक माड़ा जहा बहर कढ लिया ठंडा हो जाए। देखो ये हाथ ना टुटन लग पिया, देखो क्रिस्पी हो गया ना। आ देखो हूँ इन्हों भी मैं ला लूँगी। पिनियां बनाने लई मैं एक बड़ा पतीला ले लिया है, गैस नूं मैं ऑन कर लिया। तो जिहड़ा घिओ सी वह मैं बिच पा दूंगी। मैं घिओ थोड़ा जिहा पिछों रख लिया है, आपां फिर बाद च देख के पावांगे किदां आ। मैं किलो घिओ लिया सीगा ते उहदे विचों ही मैं घिओ वरते आया मखाने भुनण लई, फुल मखाने भुनण लई, ते उहदे विचों ही वरते आ गूंद भुनण लई। सो मैं आह किलो दे विचों थोड़ा जिहा रख लिया, फिर आपां देखदे आ। आ देखो फुल मखाने ते गूंद मैं इन्हों ग्राइंड कर लिया, जदों ये ठंडे हो गए सी फिर ग्राइंड किया आ, ते कल्ले कल्ले नूं ग्राइंड किया सी फिर ग्राइंड करके दोए मिक्स करके रख लए आ। मैं सौंफ नूं भी ग्राइंड कर लिया, खसखस नूं भी ग्राइंड कर लिया, थोड़ी मर्जी है। जे तुसीं ये चीज़ा साबतियां पाउणियां चाहुंदे पर मूँह च आउंदियां सोहणियां नहीं बच्चियां नूं लगदियां, इस करके मैं पीस लिया आ इन्हां नूं। ते तिलां नूं भी थोड़ा जिहा पीस लिया आ, काली मिर्च भी पीस लई आ। हुण घिओ पिघल गया है ना, गर्म हो गया। हुण बिच आप आटा पा देंगे। मैं सारा आटा पाता है।
मैं घ्यो सारा ही पा दूंगी। अपना किलो घ्यो ऑल टूगैदर लग गया क्योंकि हम देखने ज़्यादा लगता है बिच घ्यो, क्योंकि आप बदाम होर चीज़ा सारा कुछ पाना आ, शक्कर पानी आ, फिर इन्हें चुक लेना है सारे घे, क्योंकि आपां को होर मटीरियल भी काफ़ी आ। आपां इनू मीडियम ते भुन्नांगे करके, एकदम हाई ते नहीं करना क्योंकि नहीं तो आटा उपरों उपरों जल जाऊ विच्चों कच्चे दा स्वाद आऊगा। जदों आटा भुज्जदा ना आपां नू पता लग जांदा, इहदी बहुत सोहणी भुज्जी उहदी खुशबू आउण लग पैंदी, ते उहदा रंग तो भी पता लग जांदा है जदों रंग चेंज हुंदा है ना आटे दा, फिर आपां नू पता लग जांदा है। आपां इदां दा भांडा लैणा कड़ाही जां पतीला जिहदा थल्ला भारा होवे, हुण आटा भुंदिआं मैनू 12 मिनट हो चले आ, इस करके मैं विच सुंड पा दूंगी क्योंकि मैं स्लो ते भुन रही हाँ। अग आपां जे आपां चुल्हे ते भी बना रहे हैं ना, अग थोड़ी स्लो ही रखो क्योंकि सुंड भी विच भुज्जनी जरूरी आ। आटा थोड़ा जिहा चिर भुन के फिर विच सुंड पा दो। हुण आटा भुज्जदिआं 20 मिनट हो चले आ, हुण मैं इहदे विच कमरकस पा दूंगी क्योंकि हुण आटा नीली भुज्जण वाला ही आ। मेरे कोल पाउडर सी कमरकस दा, इस करके मैं इहनू इदां विच पाता आ। जे तुहाडे कोल तां पाउडर नहीं हैगा, फिर जिद्दां आपां फुल मखाणे ते गूंद नूं भुन्दे आ इस तरह वह दाने जिहा हुंदा आ, तुसीं उहनू घिओ दे विच इदां भुन लो पहलां ही ते उहनू ग्राइंड कर लो। इहनू आपां उदों पाउणा जदों ऐन आटा नीली भुज्ज चलिया हुंदा आ, क्योंकि आटा हुण भुज्ज चलिया आ, इहदा भुज्जे उहदा इदां पता लग जांदा। जां दूर बैठे नूं किसी नूं पुछ लो पे आटा भुज्जे उहदी खुशबू आउंदी आ, ते नहीं तां रंग तों भी पता लग जांदा आ। ते दूजी गल, इदां उत्ते बबल जिहे आ के फटण लग पैंदे ते झग जिही आ जांदी आ, फिर भी पता लग जांदा आटे भुज्जे दा। स्लो मीडियम ते कर लिया आ इहनूं, आटा भुज्ज गिआ आ। हुण मैं इहदे विच सौगी पा दूंगी जिहनूं दाखां भी कहिंदे आ, क्योंकि ये गर्म गर्म के बच्चे इदा फुल जाएगियाँ। तो हुण मैं बच्चे काली मिर्च पा दूंगी, खसखस पा देवे, तिल पा देवे, सौंफ ते कोकोनट। मैं बच्च जवैन है जिहड़ी, मैं वह नहीं पीसी हैगी, उन्हूं हाथ नाल इदा करके पा दूंगी बच्चे, थोड़ी जी पाई आ। जे तुसीं नहीं लाइक करते ना पाओ, पर ये बहुत चंगी होंदी आ। हुण मैं बिच पा दूंगी जिहड़ा गूंद ते फुल मखाणे आपां भुन के पीसियो सी, ओह मैं बिच पाते आ। हुण आपां पा देवांगे बदाम, पिस्ता, काजू, क्योंकि मैं सारे नट्स नूं ग्राइंड करके मिक्स कर लिया सी। इहदे विच बदाम सी, पिस्ता, काजू सी, अखरोट ते मगज। सो गैस बंद करके मैं बिच पाया। आपां इहनूं सारे कुछ नूं हुण चंगी तरह मिक्स कर लेना। इहदे गर्म गर्म दे विच आपां हुण शक्कर पावांगे। मैं किलो ही शक्कर लई सी, तुसीं शुगर लैणी शुगर लै सकदे आ, पर मैं शक्कर लई सी क्योंकि इह गर्म आ, इस करके इहदे विच मिल्ट हो जाऊगी चंगी तरह। आपां कदे भी गैस ऑन ते जे अग थले बलदी आ कदे भी विच मिठा नहीं पाउणा हैगा, नहीं तां फिर थले लग जाओ। जे तुसीं है ना थोड़ी खांदे आ देख लो, थोड़ी पा लो, थोड़ा टेस्ट करके देख लो, जे है ना ज़्यादा खांदे आ तो ज़्यादा पा लो, पर किलो आटे दे विच किलो पै जांदी आ। देखो मैं सारी पाती आ, 1 किलो पाती शक्कर विच। तुसीं इहनूं चिल्ले तों ला के चंगी तरह मिक्स कर सकदे आ। देखो बहुत सोहनी बनी आ, मैं मिठा भी देख लिया आ, ठीक है बिल्कुल। मैं क्या नहीं तां जे थोड़ा लगे थोड़ा जिहा तुसीं गर्म गर्म दे विच होर पा दो। हुण मैं थोड़ी देर लई ढक्कन दे के इसे तरह रख दूंगी क्योंकि ये गर्म आ, विच चंगी तरह शक्कर ये मिल्ट हो जाए। आपां इहनूं 10 मिनट बाद देखदे आ।
हुण ढक के रखिया, मैं 10 मिनट हो गए आ। हुण आपां एक बारी फिर इहनूं मिक्स कर लवांगे। देखो बहुत सोहनी बनी है, क्योंकि इदां ढक के रखण दे नाल है ना जिहड़ी शूगर जां शक्कर आ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਲਊਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊ ਮੰਮਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜੀਰੀ, ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਚਮਚਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਆਪੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸੌਂਫ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ, ਦੱਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈਓ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਰੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜੀਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ, ਕਿਲੋ ਘੇ ਅਤੇ ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਇੰਨੀ ਬਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।